गाइस आज है दूसरा दिन हरदोई में और संजय मौसा नाना आ गए हैं हम लोग के घर। नाना भी पिक्चर देख रहे हैं, अभी नाश्ता हो रहा है, पोहा और चाय। मैं पोहा खा रहा हूँ। मम्मा भी किचन में है और पापा चले गए हैं स्कूल। मेरा आज मन नहीं था स्कूल जाने का तो मैंने छुट्टी ले ली, तो अभी हम खा रहे हैं खाना मतलब नाश्ता। झरना वहाँ पे झरना बैठी, वो भी पिक्चर ही देख रही है। और कल सेट जैसे हम लोग आए वैसे सोने लग गए, तो इसीलिए कल व्लॉग नहीं शूट कर पाए थे हम लोग। तो अभी सुबह हो गई है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं भी पढ़ रहा था, तो अभी हमने खाना खा लिया है मतलब नाश्ता कर लिया है और पिक्चर भी खत्म होने को आई है और हम लोग का पार्सल आ गया। तो यहाँ पर तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। पार्सल ये हम लोग के आ गया। मम्मा आप अपने का सेकंड डे है मतलब फर्स्ट डे है, तो यहाँ इसका सुबह सुबह पार्सल आ गया था। उसके मैंने शूज भी मंगाए थे, शादी से पहले थे बट आए वो अभी, तो चलो कोई बात नहीं खैर। लेकिन शूज़ जो हैं वो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे बट आराध को वो शूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसने अनबॉक्सिंग यहाँ बड़ी ही खुश हो गई थी बट जब शूज़ देखने में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बट जब तक शूज़ के कंफर्ट आपको अच्छे नहीं लगे क्या क्या ही कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया था और ये वापस हो गए हैं। और यहाँ पर वो पहन कर देख रहा है तो उसको लगा कि सोल जो है शूज़ का वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। मैं आपको एकदम मतलब जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ शूज़ का। ये हम लोग ने अमेज़ॉन से मंगाए थे, बाकी तो चीज़ें सारी हम लोग अमेज़ॉन से ही मंगाते हैं, कभी कुछ होता है। हाँ ये इनका रेट कुछ अच्छा खासा था और ये मुझे पड़े थे 600 के करीब करीब पड़े थे। यहाँ पर देखिए झरना भी परेशान है कि पहन के देखो पहन के देखो, और वो उसने पहन के देखे तो उसके सोल बहुत ही उसको मतलब हार्ड लग रहा था, तो कह रहा था मम्मा मेरे पैर ज़रूर दर्द करेंगे। तो बस इसलिए मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया। और फिर अब हो गई है शाम और शाम को हम लोग निकल गए हरदोई की नुमाइश देखने। हाँ जी हाँ गाइस, हरदोई में नुमाइश लगी हुई है और इस समय बहुत ही रौनक रहती है, रात भर वहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं हमारे घर तक। हमारा घर थोड़ी ही दूर पे है जहाँ पर नुमाइश लगी है, वहाँ से तो बहुत ही रौनक रहती है और बच्चे तो ऐसी जगह आके बहुत ही खुशी है। देखिए झरना की एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो झूले और डॉगीज़ देखे, हाँ उसको यहाँ पर एक डॉगी दिख गया था, पग था वो, और उसको देख के वो बड़ी खुश हो गई। हम लोग बड़ी मुश्किल से उसको बहला फुसला के उधर ले गए। और देखिए यहाँ गोलगप्पे खाने के भी सारे सामान रहते हैं, सॉफ्टीज़ गोलगप्पे और डोसा, मतलब हर चीज़ हर वैरायटी आपको मिलेगी। और बस इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो है फेयर अच्छे से घूमा। यहाँ झंडा जब बलून के लिए रूट गई थी, अब वही है ना, शैतान बहुत है उसको संभालें कि हम लोग बलून उसका संभालें, तो इसीलिए बलून वगैरह तो नहीं लिए हम लोगों ने। और बाकी देखिए हम लोग यहाँ बर्तनों की दुकानें हैं। और हाँ और एक चीज़ और, यहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं, हाँ कुछ कुछ दुकानों पर फिक्स रेट होता है, जैसे 5 रुपये हर माल, 10 रुपये हर माल, 40 रुपये हर माल, तो इस तरीके से आप मतलब बार्गेनिंग जहाँ फिक्स जहाँ रेट लिखे नहीं रहते हैं वहाँ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी वो लोग बहुत अच्छा दे देते हैं। बाकी यहाँ गाइस क्रॉकरी बहुत अच्छी आती है, खुर्जा से व्यापारी आते हैं वो लोग स्टॉल लगाते हैं, इनकी क्रॉकरी बड़ी ही सुंदर सुंदर होती है। आप जाइए आराम से यहाँ पे, मतलब है 3-4 घंटे के लिए तो है, घूमने लायक है। यहाँ लकड़ियों के स्टूल वगैरह हो गए, जो हमें तवा चकला बेलन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखते हैं तब हम लोग को याद आता है अरे हाँ यार इसकी तो ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा घूमा। मैंने भी दूध गर्म चीज़ या गर्म बर्तन रखने के लिए एक स्टैंड लिया वहाँ से, और भी एक दो चीज़ें ली मैंने वहाँ से। इस तरीके से हम लोग पूरा हम लोगों ने घूमा। सॉफ्टी भी यहाँ पर खाई, सॉफ्टी बहुत टेस्टी होती है, कुछ कुछ लोगों की टेस्टी होती है कुछ कुछ लोगों की। यहाँ कपड़े से लेकर जूती चप्पल मतलब हर एक चीज़ आपको मिलेगी। और आप ज़रूर आइए, अगर हरदोई में हैं तो ज़रूर आइए और ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए और इन छोटे छोटे व्यापारियों को थोड़ा लाभ मिले हम लोगों के ज़रिए, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइए। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है क्योंकि अभी तो मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है। आप लोग
आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस मेले की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे हरदोई वासी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँच सकें। और यहाँ देखिए झरना को मनपसंद उसका झूला मिल गया है, तो यहाँ पर वो झूला राइड कर रही है। और बस इस तरीके से उसने बहुत अच्छे से झूले को एंजॉय किया, और ये झूला भी झूला, उसने दो तीन झूले और झूले थे। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं कहीं कहीं की, और बाकी सारी रिकॉर्डिंग जो ये वीडियो पूरा ही व्लॉग जो है पूरा आराध्या ने बनाया। और यहाँ पर देखिए झरना कितनी खुश है, कितनी खुश है। और इस तरीके से इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी राइड्स का मज़ा लिया। और यहाँ पर पता है गाइस एक मतलब शो चल रहा था, तो वो मैं तो नहीं देखने गई, बट बहुत ऊंचाई पे था और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। और आराध को इनको दिखाने का मन था कि ये सब चीज़ें पुरानी हैं, ये सब अब मतलब खोती चली जा रही हैं, तो आराध को तो मैं एक बार दिखाई दूँ। तो ये और आराध ने मतलब इसका टिकट लिया और ये लोग चढ़ के गए, और वही आराध ने देखो कितने एक्साइटमेंट के साथ रिकॉर्ड किया है। और मुझे तो ये देखने में बड़ा ही चक्कर सा आ जाता है, इसलिए मैं तो नहीं गई, लेकिन हाँ पापा बहुत खुश थे। तो पापा का बड़ा मन था कि बड़े इतने सालों बाद मतलब मुझे देखना है, तो फिर बड़ी मुश्किल से वही जो उनके जो ऑनर जो शो के ऑनर थे वो मतलब उस उनको ले के ऊपर तक गए और उनको शो दिखाया। बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब एक बुज़ुर्ग के लिए वो इतनी कष्ट, क्योंकि पापा के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको चलना ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, बट वो लोग सहारे से लेके गए और पापा को पूरा शो उन्होंने दिखाया, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और मेहनत करते हैं यार ये लोग, अपनी पूरी जान पे खेल के शो दिखाते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को मतलब शो को और भी चीज़ों को वहाँ पे बढ़ावा दीजिए। जब तक हम लोग लोकल लोग नहीं जाएंगे तब तक वहाँ कैसे मतलब उन लोगों को प्रॉफिट होगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और अब बस यहाँ से हम लोग, आज इनका बर्थडे था तो हम लोगों ने सोचा था हम लोग बाहर खाएंगे पिएंगे कुछ इंजॉय करेंगे, बट पापा का बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी खाने पीने का। तो बस इस तरीके से हम लोग घूम फिर कर केक लेकर वापस घर आ गए, और बस ऐसे ही रहा हमारा ये आज का दिन। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आगे, बाय बाय।